हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी जब वेबसाइट्स ओपन करते हैं और उसमें कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मिलते हैं तो अगर आप उसे अपने पीसी में सेव रखना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है। एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उस वेबसाइट पर जहां पर है वहां पर आप राइट क्लिक कीजिए अपने पीसी पर, और उसके बाद यहां पर देखिए सेव पेज एज का ऑप्शन आता है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी ट्रिक जो मैं बताऊंगा आपको कि आप उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है, यहां पर जैसे जो वेबसाइट आपने ओपन की है जिस भी पेज पर है, आपको करना क्या है, इसका जो एड्रेस बार है आपका ब्राउजर का उस पर आपको जाना है, जो आपकी लिंक है उस वेबसाइट की उसको पूरा कॉपी करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं कॉपी। उसके बाद आपको एक टैब नेक्स्ट ओपन करना है जिसमें आपको गूगल में, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पर गूगल में आपको लिखना है फ्री वेब पेज टू पीडीएफ ऑनलाइन कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कन्वर्ट वेब पेज टू पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक करना है, एक वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आपको वो जो लिंक आपने कॉपी की है वहां पर पेस्ट करनी है, तो उसके बाद जो वो पेज था वेब पेज वो आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये ओपन हो रहा है मेरा वेबसाइट, तो फ्रेंड्स इस जगह पे आपको जहां पर ये बॉक्स है यहां पर आपको पेस्ट करना होगा वो जो पेज आपने वहां से कॉपी किया पेज की लिंक। उसके बाद यहां पर कन्वर्ट टू पीडीएफ पर आपको क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहां कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से आपको वहां पर और भी लिंक्स थी उसमें से भी किसी एक में आप जा सकते थे, आप देखिए डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं इजी वे में इसे यहां पर सेव पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये मेरा पेज सेव हो गया पीडीएफ फाइल में। तो जैसे देखिए मैंने एक ऑलरेडी पहले ही से करके रखा था, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से होगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से ये पीडीएफ फाइल में बन जाएगा। कोई भी आपका जो वेब पेज है आप उसे इसी तरीके से वहां पर उसकी लिंक को कॉपी करके गूगल में वेब पेज कन्वर्टर ऑनलाइन कन्वर्टर टाइप करके उसकी वेबसाइट पर जाकर उस लिंक को पेस्ट करके उस जो पेज है उसको पीडीएफ फाइल में रख सकते हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पास सेव रख सकते हैं आप अपने पीसी के अंदर। अब फ्रेंड्स इसमें एक और ट्रिक है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रिक है कि राइट क्लिक करके सेव पेज एज कीजिए, सेकंड ट्रिक मैंने बताया कि उस पेज के लिंक कॉपी करके आप दूसरे टैब में जाकर गूगल में सर्च कर दीजिए वेब पेज ऑनलाइन कन्वर्टर, उसके बाद वहां जाकर पेस्ट करके उस पीडीएफ फाइल में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपके कीबोर्ड आपके जो चाहे लैपटॉप हो या पीसी हो उसके जो कीबोर्ड होता है उसमें आपको प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PRTSC, उस बटन को यहां पर आप क्लिक कर देंगे, जहां पर जितनी दूर की आर्टिकल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी उतनी सेव कर पाइएगा। जैसे अभी सपोज कीजिए मुझे इतनी आर्टिकल है जो कि अभी अपने पास मुझे सेव रखनी है, तो मैं यहां पर पीआरटी स्क्रीन को प्रेस कर दूंगा बटन को, उसके बाद मैं पेंट ओपन करूंगा, पेंट जो आपके पीसी में दी रहती है उसे ओपन कीजिए, उसमें जाके कंट्रोल के साथ वी प्रेस कीजिए तो आपका वहां पर वो पेस्ट हो जाएगा जो यहां पर स्क्रीन पर आपको सामने में दिखाई दे रहा है, और फिर वहां पर आप उसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही ट्रिक थी, हो सकता है ये ट्रिक आपके लिए भी यूजफुल हो, कई लोगों को आती हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये ट्रिक नहीं आती होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।